प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। बिहार की राजधानी पटना में प्रकाश पर्व 2022 को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में है। 8 नवम्बर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गुरु पर्व का उद्घाटन किया जाएगा। इस दिन वाहे गुरु जपते हुए प्रभात फेरी भी निकाली जाती है। शाम के समय लंगर का आयोजन किया जाता है। गुरुद्वारे में शबद कीर्तन बजते हैं और गुणवाणी का पाठ किया जाता है। यह दिन हिंदू धर्म के लोगों के लिए भी खास होता है, क्योंकि इस दिन कार्तिक पूर्णिमा भी मनाई जाती है। हरिमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा सिखों के लिए बहुत खास है, क्योंकि यहीं पर सिख पंथ के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 दिन शनिवार को हुआ था। इस दिन को गुरु पर्व या प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। इसी वजह से सिखों के लिए पटना साहिब गुरुद्वारा बहुत खास महत्व रखता है। हर साल इस गुरुद्वारे में सभी धर्म के लाखों श्रद्धालु आते हैं। बता दें कि दुनिया में सिखों के 5 प्रमुख तख्तों में तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब का दूसरा स्थान है। यह स्थान दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। यह सिखों की लौकिक शक्ति की 5 पीठों में से एक और 3 सिख गुरुओं द्वारा अधिष्ठापित किया है। सिख धर्म के जानकार बताते हैं कि यहाँ पर गुरुद्वारा बनने से पहले श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी इस गुरुद्वारे के स्थान पर बंगाल और असम की ओर जाते समय रुका करते थे। जानकार बताते हैं कि इस गुरुद्वारे के स्थान पर पहले श्री सलीस राय का घर था। श्री सलीस राय पेशे से एक जौहरी थे, जो गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े भक्त थे। गुरु गोविंद सिंह जी अपने जन्म के करीब 5 साल यहीं बिताए थे। श्री पटना साहिब जी में आज भी माता गुजरी देवी जी का कुआं विद्यमान है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से सिख धर्म के अनुयायी सालों भर यहाँ पहुँचते रहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म माता गुजरी देवी की गर्व से हुआ था। यह महाराजा रंजीत सिंह द्वारा बनवाया गया गुरुद्वारा है, जो स्थापत्य कार्य का बेहतरीन नमूना पेश करता है। हरिमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा में इस बार प्रकाश पर्व खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ एशिया का सबसे बड़ा बिना पिलर का दरबार हॉल बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पहले हॉल के अभाव में एक बड़ा टेंट तैयार कराया जाता था, जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों को किया जाता था, लेकिन अब सैकड़ों की संख्या में यहाँ इकट्ठा होकर इन धार्मिक अनुष्ठानों को किया जा सकेगा। इस हॉल का और प्रकाश पर्व का उद्घाटन 8 नवंबर को बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा। दरबार हॉल का निर्माण गुरु नानक निष्काम सेवा जत्था बर्मिंघम के बाबा मोहिंदर सिंह के द्वारा कराया गया है। हॉल का निर्माण 22,400 स्क्वायर फीट में किया गया है। दरबार हॉल को तैयार होने में लगभग 3 वर्षों का समय लगा। हॉल का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दरबार को सजाने में लगभग 1 साल का वक्त लगा था। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।